दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आ गए हैं 12वीं राशि, अंतिम राशि मीन राशि वालों के बारे में आज बात करेंगे। मीन राशि वाले कैसे होते हैं, 11 महत्वपूर्ण रहस्य जो उनकी पोल खोलेंगे कि मीन राशि वाले आखिर होते कैसे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यह जल तत्वीय राशि है और द्विस्वाभाविक राशि है और इसके राशि के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति। कर्क और वृश्चिक का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि कर्क और वृश्चिक दोनों जल तत्वीय राशि हैं। एक राशि चर है, एक स्थिर है और यह द्विस्वभाव है, यानी कि चर स्थिर जल तत्वीय दोनों कर्क और वृश्चिक का मिश्रण। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की राशि होती है मीन राशि। कर्क राशि अधिक इमोशनल राशि, एक शब्द में अगर करें उनको पूरी तरीके से एक्सपोज, और वृश्चिक राशि महाजिद्दी राशि, एक शब्द में अगर करें। बाकी तो आप वीडियो देखिएगा अगर आप उन राशियों के हैं, क्योंकि एक शब्द से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ है आपके बारे में। और वृश्चिक राशि की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो जरूर देखिए। ये 11 पॉइंट हम आपको बताएंगे कि आखिर एक पॉइंट कौन कौन से हैं और आपके साथ में एक बिल्कुल मैच करेंगे। 1% भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट भी आपके साथ मैच ना करें। और मीन राशि को मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो मीन राशि को जानना चाहते हैं, मीन राशि को पहचानना चाहते हैं, ये लाइफ आपकी कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये मीन राशि है। ये काल पुरुष की कुंडली में सबसे अंतिम भाव, द्वादश भाव की राशि है। आपके कर्म खर्च करवाती है मीन राशि, आपका अंतिम परिणाम है मीन राशि। ये उस चीज को दिखाती है मीन राशि जो आप कभी देखना ही नहीं चाहते। मीन राशि बहुत ही ज्यादा अद्भुत राशि है और इसके रहस्य भी अद्भुत हैं। जो नक्षत्र पढ़ते हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके राशि के स्वामी गुरु हैं और इस राशि का पहला जो नक्षत्र चौथा चरण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है और उसका चौथा चरण है वो भी गुरु का है, तो डबल गुरु है और बुध भी है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं नक्षत्र का प्रभाव, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और 11 पॉइंट जानेंगे। तो मीन राशि वालों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण जो कि गुरु का नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र पड़ता है आपका उत्तरा भाद्रपद के चार चरण जो शनि का नक्षत्र, और रेवती नक्षत्र के चार चरण जो कि बुध का नक्षत्र है। ये जो है बहुत बहुत विशेष बनाती है, ये जो नक्षत्र हैं आपके राशिपति हैं वो आपको विशेष बनाते हैं। देखिए, द्विस्वभाव का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपका दो तरह का स्वभाव होगा, बल्कि द्विस्वभाव का मतलब ये है कि आपको दो तरीकों से अपने स्वभाव को दिखाना आता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है, बेहतरीन है, जो आप दो तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। पूर्वा भाद्रपद में जो जन्म लेते हैं वो तो बुद्धिमान विवेकवान होते ही हैं। दूसरा, उत्तरा भाद्रपद जो मल्टी टैलेंटेड और एक अलग पर्सनालिटी को दिखाते हैं, पूर्वा भाद्रपद में जो जन्म लेगा बुद्धिमान होगा, तीव्र तीक्ष्ण सब कुछ होगा, उसके अंदर समझदारी होगी, आध्यात्मिक होगा। लेकिन जो शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में जन्म लेगा वो जीवन में स्कूल गया हो या ना गया हो, कॉलेज गया हो या ना गया हो, अनपढ़ भी क्यों ना हो, उसके अंदर हुनर इतने होंगे कि पढ़े लिखे लोग फेल होंगे उसके सामने। और ऐसे व्यक्ति अधिकतर बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं उत्तरा भाद्रपद में जिनका जन्म होता है। बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं ये लोग, और ख़ास करके इनका फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है।
खास करके अगर महिला है तो इनकी नाक बहुत सुंदर होती है। और रेवती नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले क्यूट बच्चे, रेवती नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो हर तरीके से किसी भी काम में लग जाएं तो उस काम में सफल होते हैं और अपने करियर को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। कोडिंग के फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो उनके लिए ये नक्षत्र बहुत स्पेशल है। रेवती नक्षत्र वाले अच्छे गेमर बनते हैं, बल्कि मीन राशि वाले अच्छी गेमिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। अगर देखा जाए तो रेवती नक्षत्र में जो जन्म लेता है ऐसा व्यक्ति गेमिंग की दुनिया में या फिर कोडिंग की दुनिया में धूम मचाता है। ऐसा व्यक्ति जो मीन राशि का और रेवती नक्षत्र में जो चारों चरण पड़ते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षक बनता है तो कोडिंग सिखाता है। मतलब अब मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जो भी कंप्यूटर की भाषा है उसको ही शायद कोडिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा को या फिर ये कोडिंग को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला, समझाने वाला होता है रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला। बढ़ेंगे आगे और 11 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में ही बताया है और ये मून साइन और लग्न साइन के अनुसार जानकारी है, तो ध्यान ये रखना कि सच्चाई कड़वी होती है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है मीन राशि को वह मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट, क्योंकि देखो सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती है, और मीन राशि और मेरा थोड़ा सा आंकड़ा गड़बड़ है, मतलब मीन राशि से मेरी कम बनती है, तो हो सकता है कि मीन राशि वाले, क्योंकि मेरी अक्सर बहस हो जाती है अगर कोई मीन राशि का मेरा अपना भी है तो इसलिए मुझे लगता है कि मीन राशि वाला अगर कोई देख रहा है, जो भी देख रहे हैं, मतलब उनको कुछ बातें बुरी लग सकती हैं। तो अगर बुरी लगें तो आप एक्सप्लेन कर देना कि आखिर क्यों, आपके अंदर है क्यों नहीं वो चीज़, और दूसरों से भी पूछ लेना कि है या नहीं, तो वो जवाब दे देंगे, क्योंकि अपने अंदर की कमियां तो समझ में नहीं आती। लेकिन चलिए बताते हैं 11 पॉइंट कौन से हैं। पहला ये है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि में तो ये सबसे तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि होती है इनकी। दूसरा, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड का मतलब है बहुत सारे टैलेंट। ऐसे व्यक्ति को एक काम नहीं आते, अनेक काम आते हैं, और क्रिएटिव काम में बहुत आगे होते हैं। तीसरा, ये हाजिर जवाबी। ये हाजिर जवाबी से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। हाजिर जवाबी ये कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, चाहे वो कितना ही सीनियर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी बना रहे, फिर ये बदतमीज के लिए महाबदतमीज बन जाते हैं। अगर बाप की उम्र का भी व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है तो फिर उसको भी देखेंगे नहीं कि क्या उम्र है, क्या लिहाज, कुछ नहीं, फिर तुरंत हाजिर जवाब। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खास होते हैं लोग, क्योंकि इन्हें लोग देखते हैं तो इनसे चिढ़ने लगते हैं, इनसे जलने लगते हैं कि ये ऐसे कैसे बोल सकती है, ऐसे कैसे बोल सकता है। आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कैरेक्टर का आपको दिख रहा है जो तब तक बहुत अच्छा है, तब तक वो एकदम डिसेंट लगेगा आपको जब तक आप उसके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, और अगर उसके साथ आपने एक बदतमीजी करी, आपने उसको कुछ छोटा सा पॉइंट बोला और वो चार दाग देगा, आपको चार पॉइंट मार देगा आपको, फिर आपकी जुबान नहीं चलेगी, आप बस खिसिया जाएंगे, ये होता है। चौथा पॉइंट है कि मोटिवेट करने वाले होते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देंगे, मोटिवेट करेंगे। अगर आपका दोस्त बन गया तो बहुत मोटिवेट करेगा मीन राशि का, तो आपको कभी नीचे नहीं गिराएगा, आपको आगे बढ़ाने की सोचेगा, या फिर आगे बढ़ाने में कोई मदद भले ही ना करे लेकिन शब्दों से आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि आप हार के फिर से खड़े हो जाएंगे। इच्छाएं खत्म होने के बाद में मीन राशि से दोस्ती कर लेना, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं जन्म ले लेंगी। पांचवा पॉइंट है कि आध्यात्मिक होते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, आध्यात्मिक काम भी बहुत करते हैं, और ऐसे व्यक्ति कथावाचक बनते हैं, ऐसे व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ज़्यादा
स्पिरिचुअल होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े तांत्रिक भी बनते हैं। बात करेंगे छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट है कि हर जगह घूमना फिरना, दुनिया घूमना, इन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, दुनिया एक्सप्लोर करना है इन्हें, दुनिया को देखना है और हर जिंदगी को जीना है, हर तरीके से जिंदगी को जीना है, तो ये भी इनके अंदर होती है। और अगर इन्हें लाइफ ऐसी मिल जाए जहां बंद कमरे में बस डाल दो इन्हें, वहां से ये पक जाएंगे। और एक चीज और यहीं पे बोल देते हैं, सास के साथ में कभी नहीं बनती है मीन राशि की, चाहे कितनी भी अच्छी सास क्यों ना, क्योंकि हमेशा सास कुछ ना कुछ बोलेगी और फिर इन पे बर्दाश्त नहीं होगा। सातवां पॉइंट बोलते हैं, और इसी सातवें पॉइंट में ये सास वाली बात भी मान लो, ये ऑर्डर नहीं मानते किसी का। जो वृश्चिक राशि है ना, प्यार से करवा लो जान दे देंगे, ऑर्डर नहीं मानेंगे, अकड़ दिखा करके तो बिल्कुल नहीं, ऑर्डर के हिसाब से बात बिल्कुल मत करना, नहीं करेंगे। ऑफिशियल ऑर्डर भी होगा तब भी नहीं करेंगे, तो उसमें भी इन्हें दिक्कत होती है। इनको नीचा दिखा के कोई बात ना करे, इनको इज्जत सम्मान सबसे ज्यादा प्रिय होता है, चाहे सास ही क्यों ना हो। आठवां पॉइंट है कि तमीज से बेइज्जत करते हैं ये लोग, मतलब आपको ऐसे बेइज्जत करेंगे, शब्दों का चयन इनका बहुत सुंदर होगा, तो तमीज से बदतमीजी करेंगे ये कह सकते हैं। नौवां पॉइंट है कि ये बातूनी बहुत होते हैं, स्टोरी टेलर बहुत अच्छे होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति से अगर आप पूछ लो कि चलो शॉर्ट में कोई स्टोरी सुना दो, आप कहोगे शॉर्ट में सुना दो या फलानी चीज शॉर्ट में बता दो, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक कीड़ा है कि पूरी शुरू से लेके एकदम एक एक चीज को बहुत ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि फिर उसके बाद में कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ। तो स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे होते हैं, और स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसकी एक अलग ही बात होती है। तो ऐसे व्यक्ति लंबी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यानी कि कहानियां बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, गजब तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं, गजब कहानी बनाते हैं। दसवां पॉइंट है, दुश्मन की भी प्रशंसा कर देंगे, इन्हें कोई ऐतराज नहीं दुश्मन की भी प्रशंसा करने में, पर उस दुश्मन की प्रशंसा अगर ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो दुश्मन बहुत खास होगा, यानी कि उस दुश्मन में भी, वैसे तो ये जल्दी दुश्मन बनाते नहीं हैं, पर अगर ये दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हैं तो उस दुश्मन में बहुत कुछ खास होगा, जिस वजह से इन्हें उसकी प्रशंसा करनी पड़ रही है या करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है, दुश्मन हमारा कोई नहीं है, बस मतभेद मतांतर हैं और उसी चीज की लड़ाई है। पॉइंट नंबर 11, यानी कि लास्ट पॉइंट, 11वां पॉइंट ये है कि अगर ये दुश्मन के इलाके में भी पहुंच जाएंगे तो वहां पे भी सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा सकते हैं पर सर झुकाएंगे नहीं, हो सकता है वहां पे काट के भी आ जाएं। और एक लास्ट बात, 11 बातें हो गई, लेकिन एक लास्ट बात जो मुझे और लगता है कि मीन राशि को आप प्यार कर सकते हैं, मीन राशि को आप नफरत कर सकते हैं, पर आप मीन राशि को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे करने वाली बीवी को आप नफरत कर सकते हैं या प्यार कर सकते हैं, पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।